सुनीता शर्मा है। सुनीता जी क्या कहेंगे इतने दिन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए? क्या हम तो बैठे, हमें ये था कि आज नहीं तो कल जो सरकार जा गई, पर गवर्नर पता नहीं कौन सी नींद सोया हुआ है जो आज तक नहीं जाग रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी करें। हमारे भाई जब बोलते हैं तो इन पे लाठियाँ बाजी जाती हैं। अपने हक के लिए क्या लाठी लेनी पड़ती हैं? हम अपने हक की लड़ाई ले रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोई फालतू की डिमांड तो है ही नहीं। तीन डिमांड्स हैं हमारी मेन, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेंडिंग वेजेस सैलरी और रेगुलाइजेशन, और कुछ मांगा नहीं है। कहीं हमने लंका तो मांग नहीं ली है इनसे? हमें कोई शौक थोड़े इतनी गर्मी में बैठने का। ये क्यों नहीं हमारी सुन रहे हैं? कब सुनेंगे जी हमारी? 25-25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को हमने सेवा देते हो, कब सुनेंगे? मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारा है ना? तो आगे ये भी जोड़ो कि बेटी सड़कों पे आओ। हम भी किसी घर की बेटी हैं, हम भी किसी घर की बेटी हैं। हमें क्यों बार बार सड़कों पे आना पड़ता है? क्यों नहीं ले एल जी साहब सुनते हैं? कब सुनेंगे ये एल जी साहब? एक दिन हमारे साथ बैठे सड़क पे आके, देखें कैसे ये हेजिटेशन हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? इनको कुछ करना चाहिए। कब करेंगे जी? अब जे बीजेपी वाले कहते हैं हमारा कुछ नहीं, सेंटर में किसकी सरकार चले? सेंटर में तो बैठे हुए ना, कब सुनेंगे? रोजाना इनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट आती है अरविंद रैना की। ये तो गपलू है, ये तो गपलू। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहे हैं जी हमारे लिए। मैं तो चाहती हूँ कुछ करें जी। मैं क्या, हम सब चाहते हैं ये कुछ करें। हमारे भाई कब से बैठे हुए हैं? 3 महीने हो गए इनको लगातार बैठे हुए, ये कब सुनेंगे? सुनना चाहिए इनको। जय हिंद जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम नवदीप सिंह, यूनाइटेड फ्रंट का मेम्बर हूँ। अभी हमारी जो बहनें जो अभी इन्होंने जो बताया कि जिसके लिए मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज हमारी बहनें और माताएं सड़कों के ऊपर, यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, ये सारे जो हैं सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। हमने गवर्नमेंट से एक ही गुहार लगाई है, जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, उसके बिना हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने जो ये जंग जो जारी रखी है, ये जंग हमारी बदस्तूर जारी रहेगी। हमने गवर्नमेंट को अभी भी थोड़ा टाइम और दिया है, 22 तारीख को महारैली, सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा जब सड़कों के ऊपर जाम लगेगा। सरकार को अभी भी मौका है, जाग जाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हम उनका भी वेलकम करते हैं, और हम जम्मू के जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं वो बोलते हैं आप लोगों की डिमांड जायज़ है और आप अपनी जंग जारी रखो, और हम इस जंग को जारी रखेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे जितना मर्जी हमारे ऊपर लाठियां चला ले, जितना मर्जी हमारे ऊपर 144 धारा लगा ले, लेकिन ये जो मजदूर वर्ग है जो 60,000 डेली वेजर और PHE का जो 22,000 डेली वेजर है, ये इन धाराओं से और लाठियों से डरने वाला नहीं है। आने वाली जो जंग है इससे भी और ज़्यादा तेज़ होगी, खतरनाक होगी। जय हिंद जय भारत।